अभी इस तरह की एज जनरेटेड फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर को भेड़े की सखराम यानी कि स्कूटर पे बैठा कर एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट एआई से रेडी कराया है जस्ट वन क्लिक में, जिसके नंबर प्लेट पर आप अपना या किसी की भी कस्टमाइज नेम ऐड कर सकते हो, और चाहो तो इसमें आप अपना कैरेक्टर पे अपना रियल इमेज लगा सकते हो। जैसे कि मैंने मेल कैरेक्टर के लिए अपना फेस और फीमेल कैरेक्टर के लिए सेलिब्रिटी का इमेज लगाया है। तो ऐसे आप भी कैसे जनरेट कर सकते हो, तो बस इसमें आज की सीक्रेट प्रॉम्प्ट को एआई जनरेटेड टूल्स पे डालकर आप भी क्रिएट करा सकते हो और अपना फेस भी इजिली स्वैप करा सकते हो। अगर आप भी जानना चाहते हो तो बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना। वेल चलिए फिर आज के समय वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे, क्योंकि हमें सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, तो प्रॉम्प्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके यहाँ से आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा होगा। यूट्यूब से डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ ऊपर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाओगे एंड वहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाली साइट को ही ओपन करना अगर गूगल पे यहाँ पे आएगी, देन यहाँ पे देख सकते हो बॉयज करके लिखा होगा एंड नीचे में गर्ल्स लिखा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट मिलेगा। अगर आप इस तरीके से बॉयज वाले इमेज जनरेट कराना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, एंड गर्ल्स वाले चाहते हो तो आप नीचे आओगे, स्क्रॉल अप करोगे तो आपको यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी देखने को मिलता है। यहाँ से आप कॉपी कर लेना, तो कॉपी हमने कर लिया एंड इसे पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल अप और करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो क्लिक बिलो लिंक वेबसाइट लिखा है, सिंपली आपको इसे टैप करना है। टैप करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी जिसमें इमेज क्रिएटर साइट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। बट यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपकी इमेज शायद क्रिएट करेगी अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट करे होगे, एंड अगर आप पहले से यहाँ पे आ चुके हो एंड यहाँ पे साइन अप कर चुके हो तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप न्यू हो तो यहाँ पे साइन अप करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी इमेज को फ्रेम में क्रिएट करके देख। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन करने का मेथड आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो साइन अप कर लेना, एंड साइन अप करना नहीं आ रहा है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, देन जैसे आप यहाँ पे लॉग इन कर लोगे साइन इन कर लोगे यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जरूरी चीज बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दीपक लिखा है, तो यहाँ से आप अपने नंबर प्लेट पे नाम कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, ठीक है, गर्ल्स या बॉयज जिसका नाम लिखना चाहते हो। एंड सेकंड में आती है, यहाँ देख सकते हो विद ब्लैक मास्क लिखा है, अगर आप अपने इमेज पे इस तरीके से मास्क चाहते हो तो इसे रहने देना, एंड अगर आप पूरा फेस चाहते हो विदाउट मास्क की तो आप इसे रिमूव करना। ठीक है, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो ऐसे करके, बट यहाँ पे हमें मास्क वाला चाहिए तो फिलहाल यहाँ पे हम रहने देते हैं। एंड जो स्कूटर होगी भेड़े की सखराम, इसका रियल नेम है वेस्पा, उसका आप कलर चाहते हो जैसे कि येलो ऑरेंज ब्लैक या रेड, अपने हिसाब से कलर रखना चाहते हो तो यहाँ पे जो येलो लिखा है उसे आप रेड कर सकते हो, पिंक कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, जो भी रखना चाहते हो यहाँ पे आप लो। ठीक है, उतना कलर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट को प्रेस कर देना है एंड यहाँ से 5 से 10 सेकंड थोड़ा सा लोड लगी, तब तक आपको यहाँ से वेट कर लेना। एंड आप देख सकते हो हमारी इमेज क्रिएट होके आ चुकी है, जो लिखा था सेम टू सेम, नंबर प्लेट पे हमारा नाम लिखा है एंड कैरेक्टर में मास्क भी लगा है, तो यहाँ से हम और इमेज जनरेट कर लेते हैं। तो सिंपली अगेन मैं क्रिएट को प्रेस करूंगा एंड देखते हैं कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ न्यू इमेजेस क्रिएट होके आ चुकी है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही है। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कैरेक्टर्स पे, मतलब फेस अलग अलग है एंड चाहो तो इसमें आप अपना फेस लगा सकते हो, चाहे मास्क वाले हो या फिर बिना मास्क के, वो कैसे कर सकते हैं आगे मैं आपको बताने वाला। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगेन क्रिएट को प्रेस करा, यहाँ पे कुछ सेकंड लोड लेगी एंड आप देख सकते हो, तो इसमें से आप किसी भी इमेज को सेव कर सकते हो जो आपको पसंद आते जा रही है, आप यहां से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमें 10 से 12 इमेज मिल गई है। नाउ हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे एंड मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए आप यहां पे इमेज कैसे जनरेट कराएंगे। तो यहां पे मैंने चेंज करा सिर्फ और जो कलर लिखा था उसे मैंने यहां पे ऑरेंज दिया एंड देखते हैं यहां पे हमें इमेज कैसे क्रिएट करके देती है, आई मीन स्कूटर होगी वो कैसे होगी। तो यहां पे थोड़ा सा लोड लगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नाउ ये फोटोज को देख सकते हो जो कि बहुत बेहतरीन लग, ऑरेंज कलर पे भी। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फेवरेट कलर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन भी लिख सकते हो या फिर ब्लैक रेड व्हाइट जो भी। तो यहाँ पे हमने और इमेज जनरेट करा। आप देख सकते हो ये इमेज बहुत अच्छे से क्रिएट हुई है। इन फोटोज पे हम अपना फेस भी स्वैप कराने वाले हैं, लेकिन फेस स्वैप कराने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम गर्ल्स के लिए कैसे इमेज जनरेट कर सकते हैं, इसे हमें और क्या करना पड़ता है। ठीक है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको ये जो इमेज क्रिएट हुई है उसे आपको यहाँ पे बैक आ जाना है एंड फर्स्ट वाली साइट जो ओपन हुई थी वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखे थे उसी साइट को ओपन करना है। एंड आप देख सकते हो गर्ल्स के लिए इस तरीके से इमेज रेडी होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो सेकंड नंबर की गर्ल्स के लिए प्रॉम्प्ट है उसे आपको कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट करके जितना प्रॉम्प्ट लिखा है, एंड यहाँ पे जो बॉयज के लिए लिखा था उसे आपको हटा दे, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे क्रिएट करूंगा, उससे पहले आपको बता देता हूँ जो आलिया लिख उसे जब आप हटाकर अपना नाम लिखोगे, जैसे कि हमें जया लिख दिया, स्कूटर का कलर हम येलो ही रखेंगे तो इसे हम चेंज नहीं। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्रिएट करने के बाद देखो इमेज आ चुकी है, नेम भी क्लियर दिख रहा है नेम प्लेट पे आप यहाँ देख सकते हो एंड इमेज भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। एंड देखते हैं नेम को चेंज करके क्या ये इमेज क्रिएट करके देगी या नहीं। एंड जो येलो कलर थी अब मैं उसे रेड करूँ। ठीक है,
हूँ, यहाँ पे मैट को प्रेस करा थोड़ा सा यहाँ पे लगी तो आप देख सकते हो रेड कलर का हम फुटर आ चुके जो ऑसम लग रही है। मतलब कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हो जो आपकी फेवरेट कलर है, आप यहाँ पे लिख लेना, क्रिएट कर देना एंड आप भी अपना कलर पे इमेज क्रिएट करा सकते, ठीक है। लास्ट बार एक बार और ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हम नेम को चेंज करके पर्पल कलर यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड नाउ यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करूंगा। तो लोड लेने के बाद और ये इमेज भी बहुत ही मस्त लग रही है, आप यहाँ देख सकते हो। तो इस तरीके से तो हम इमेज जनरेट करा सकते हैं, लेकिन हम अपना फेस को कैसे स्वैप करा सकते हैं वो चलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगेन आपको उसी साइड पे आ जाना है, यहाँ पर अगर आपने इमेज क्रिएट कर लिया हो तो पहले आप सेव कर लेना इमेजेस को। नाउ साइड पे आने के बाद नीचे में आपको एक टूल मिलेगी, सिंपली आप यहाँ देख सकते हो फेस स्वैप करके ऑप्शन लिखा है, आई मीन टूल है, तो आप इस तरीके से स्वैप करा सकते हो, ठीक है। यहाँ देख सकते हो नीचे में प्रीव्यू देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको टूल्स पे आ जाना है सबसे पहले एंड ऊपर में अपलोड इमेज लिखा है, सिंपली आपको उस इमेज को ऐड करना है, मतलब कैरेक्टर वाली इमेज को ऐड कर लेनी है और नीचे में जो अपलोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको अपने इमेज को ऐड कर देना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप स्वैप करो, आपका जो इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इमेज क्रिएट होके आ चुकी है, स्वैप होके आ चुकी है। ये वाली इमेज पे ट्राई करते हैं, उस इमेज में थोड़ा मास्क वगैरह था तो अच्छे से रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा था एंड ये वाली फेस क्लियर है। तो आप देख सकते हो सेम मेरी इमेज ऐड थी यहाँ पे, मैं बस ऊपर वाली इमेज को चेंज किया हूँ एंड यहाँ पे मैंने स्वैप करा एंड आप ये देख सकते हो हमारी इमेज को स्वैप करके दे दिया, मतलब कि हमारी फेस को अब इस कैरेक्टर पे स्मूथली मर्ज करके दे दिया, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही है एंड बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। एंड यहाँ से आप अपने फोटो को भी सेव कर सकते हो, बट यहाँ पे हम एक और फोटो पे स्वैप करके देखेंगे एंड रिजल्ट देखेंगे कैसे हमें रिजल्ट देखने को मिले। तो ये मास्क वाली है, मास्क वाली यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब जो मास्क कवर है ना वो वहाँ पे भी स्वैप कर दे, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा पिक्सआर्ट या फोटोशॉप की मदद से, आप उसे थोड़ा सा क्लोन करके थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। बाकी आप बिना मास्क वाली फेस पे स्वैप कराओगे तो वो परफेक्टली हमारी इमेज को स्वैप करके दे रही है एंड बिल्कुल रियल लग रही है, आप यहाँ जैसे कि देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना इमेज जनरेट करा के फेस स्वैप करा सकते हो एंड अगर आपको फेस स्वैप कर रहे हैं और जानना है तो मेरी वाली वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो को टैप करके, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो या बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप की कॉन्सेप्ट चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस तरीके प्रॉम्प्ट बना के आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।